तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पेट मिक्स व्लॉग्स पे। तो गैस आज जो है हम कार वॉश करने जा रहे हैं। मेरी एक्चुअली मेरे जो फ्रेंड की है उसकी जो कार है तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो घर पे जो साफ़ नहीं हो सकती, काफ़ी ज़्यादा वाटर भी वेस्ट होता है। तो इसके कारण जो है बाहर जाने वाले हैं और बताने वाला आपको एकदम चीपेस्ट प्राइस में जो है साफ़ करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग अभी व्लॉग आने वाले हैं इस चैनल से। तो गाइस जो ये हमारी इको आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और इस पर काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी भी आ गई है, झाड़ के नीचे थी तो एक्चुअली उसके कारण काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो इसको आज पूरा तरह से हम साफ़ करने वाले हैं और पूरा चमका देंगे इसको। तो गाइस जो आगे आप देख रहे हैं वो ड्राइवर है और ड्राइवर भी काफ़ी अच्छी 7 सीटर कार है, और उसके बाद जो नंबर आता है वो है ये बलेनो का, उसके बाद ये तो तीसरा नंबर हमारा है। तो जैसे ये बलेनो का काम ख़त्म हो जाता है वैसे ही जो है हमारा काम चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे टू व्हीलर भी साफ़ हो जाती है, तो यहाँ पे वो भैया जो है एक्टिवा साफ़ कर रहे हैं। इसके बाद जो है बलेनो का नंबर आएगा और फिर हमारे कार गाड़ी का जो है नंबर आएगा। तो काफ़ी अच्छा प्रेशर है, इसे जो है डाग काफ़ी अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। तो गैस अभी जो है हमारी बारी आ चुकी है और आप देख सकते हैं ग्लास ब्लास काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, मिट्टी भी आ चुकी है। और हम जो है अंदर से क्लीन नहीं करवाने वाले क्योंकि अंदर से काफ़ी अच्छा साफ़ है, बट बाहर से थोड़ी डस्ट है और धूल मिट्टी आ गई है, तो वो बाहर का ही साफ़ करने वाले। अगर अंदर से करते तो उसका एक्स्ट्रा प्राइस होगा, प्राइस मैं आपको बता दूंगा कि कितने, काफ़ी कम प्राइस है उसमें हो गया। तो ये हमारी बारी है, अभी हमारी गाड़ी जो है धुलेगी। तो सबसे पहले जो है ये लोग वाटर से ही क्लीन कर देते हैं पूरे प्रेशर के साथ, जो प्रेशर होता है काफ़ी कम होता है, ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर से यूज़ नहीं करते सबसे पहले। तो जो भी मिट्टी है थोड़ा बहुत दाग धब्बे वो निकल जाते हैं प्रेशर से, और जब भी ये साबुन लगाएंगे उसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देंगे उसके कारण जो है पूरा जो है साबुन के साथ अगर कोई दाग बचा भी रहता है या धूल मिट्टी या फिर कभी कभार किसी ने थूका हो तो वो भी जो है साफ़ हो जाता है। तो गाइस अभी देख सकते हैं आप ये नॉर्मली धुल चुकी है अभी पूरी, तो इसमें ही काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो जाती है गाड़ी। इसके बाद जो है ये शैम्पू यूज़ करते हैं, और शैम्पू ध्यान रखना कभी भी आप वॉश करने जाते हैं वहाँ का शैम्पू आप ज़रूर से चेक कीजिएगा कि लोकल तो नहीं है, क्योंकि वो कलर को डैमेज कर सकता है थोड़ा बहुत। तो अगर शैम्पू अच्छा हो तो काफ़ी अच्छे से क्लीन भी होती है, इसलिए जब भी आप सर्विस सेंटर जाते हो वहाँ पे काफ़ी अच्छा शैम्पू यूज़ होता है। तो बाहर से कहीं कराते हो तो वहाँ पे भी शैम्पू ज़रूर से चेक कीजिएगा। और ये पूरी गाड़ी को अभी ये पूरा लगा देंगे, उसके बाद टायर वगैरह साफ़ कर देंगे। पूरा लगा चुके हैं यहाँ पे शैम्पू वगैरह, वो सब कुछ साफ़ कर दिया, जो जो धूल मिट्टी थी वो सब कुछ यहाँ पे साफ़ हो चुका है। अभी यहाँ पे जो है आराम से ये लास्ट जो है पानी डाल के प्रेशर हाई करके ये लोग साफ़ कर देंगे और गाड़ी जो है क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पे पूरा ये लोग साफ़ कर देते पूरे से। अगर आप भी कहीं जाते हो तो वहाँ पर आपको देखना है कि वो काम कैसा होता है, नहीं तो कभी कभार क्या होता है वो लोग एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं आपसे बट काम सही से नहीं करते। अगर कोई जाता है या फिर किसी आपके रिलेटिव ने वहाँ पे गाड़ी साफ़ की वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है गाड़ी। तो पूरा वॉश होने के बाद भी जो है इसके ऊपर कपड़ा मारना पड़ता है सूखा, और ताकि जो पानी के दाग है वो गाड़ी पे ना दिखे। तो
तो ये अभी साइड में कर रहे हैं और इसको आराम से ये लोग साफ़ करेंगे। अंदर के भी जो फोर बेंड्स वो भी जो है साफ़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं आराम से अभी साफ़ कर देंगे, क्योंकि अंदर जितना भी पानी गया हो कुछ बूंदें रह जाती वो भी ये लोग क्लीन कर देते हैं। और इसके साथ साथ जो है टायर चमकाने का लिक्विड भी आता है, पॉलिशिंग भी आती है, और जो गाड़ी है उसको भी और भी साफ़ करने का पॉलिशिंग अंदर से भी आता है, वो भी हमने तो वो नहीं करवाया बट वो भी आता है। ये आप देख सकते हैं इन्होंने ये साफ़ कर दिया, अभी ये अंदर रख देंगे। तो आप अगर 4D मैट्स भी डलवा सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, उसके कारण अंदर जो है फ्लोरिंग पे मिट्टी कम जा सकती है। और नई गाड़ी लेते तो फ्लोरिंग ज़रूर कराए, वो काफ़ी अच्छी होती है। तो आप देख सकते हैं शीशा विशा काफ़ी ज़्यादा चमक उठा है। तो गाइस जो इनका जो प्राइस लिया है वो है 100 रुपीज़ लिया है। अगर हम अंदर से भी क्लीन कराते हो पॉलिश कराते हो तो उसका चार्ज 300 रुपीज़ होता है, बट जो है हमने अंदर से साफ़ नहीं करवाया, बाहर से ही साफ़ करवाया। तो फाइनली जो है हमारा ये गाड़ी साफ़ हो चुकी है। और यहाँ पे बहुत सारी आती है, BMW हो गया या फिर स्विफ्ट हो गई या फिर और भी ऐसी जो है गाड़ी यहाँ पे जो है वॉश करने आती है। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अच्छा है, और यहाँ पे पहले आ चुके हैं जो रिलेटिव है हमारे वहाँ पे, उन्होंने रिकमेंडेड किया इसलिए हम ये गाड़ी यहाँ पे लेके आए, और हमको भी काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा जो उन्होंने जो है साफ़ किया गाड़ी। तो चलिए आज का व्लॉग यही समाप्त होता है, तो चलते हैं और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।